वो 2018 में गया और वो इंटर वैकेशन में था, और ये भी 4 साल हो गया है पक्का, 2 साल और रहना उनको। और ये जब हमला हुई तो वहाँ हम लोग बातचीत लगातार कर रहे हैं उनसे, अभी भी आधे घंटा पहले बातचीत हुई है, वो भी बिल्कुल सुरक्षित है। अब देखिए भारत सरकार की क्या योजना है, आगे क्या करेंगे। अभी किस शहर में है वो? बिनिस्या यूनिवर्सिटी और बिनिस्या शहर में है, मेडिकल के छात्र हैं, और यूनिवर्सिटी से 10 मिनट का रास्ता, वहीं फ्लैट लेके 2-4 लड़का मिल के रहते हैं। रह रहे हैं वहाँ पे भी बमबाजी हुआ? हाँ, वो इर्द गिर्द हुआ है, बहुत सुबह भी बता रहा था कि सायरन बजा था, सो हम लोग अलर्ट हैं। मान लीजिए कभी कभी जब सायरन बजती है तो नीचे वो अंडरग्राउंड में वो चले जाता है। तो अभी वहाँ क्या कुछ परेशानी आ रहा है, क्या कुछ परेशानी? तो अभी मैंने घर से निकलना नहीं है, रूम से निकलने का कोई अलाव नहीं है, और उसके बाद में खाने पीने का तो थोड़ा सा परेशानी होता ही है। मान लीजिए क्या चाहते हैं सरकार? हम तो सरकार से ही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो मैंने इंडिया आ जाए बच्चा मेरा। काफ़ी परेशान हूँ जी, बहुत परेशान है हम लोग, टेंशन में सारे परिवार। आप बता रहे थे कि 10 जून का टिकट भी था। हाँ, 10 मार्च का टिकट बना हुआ था, लेकिन स्थिति दूसरा हो गया, फिर और भारत सरकार ही लाएगी। और लखीसराय के छात्र? हाँ, लखीसराय के हैं, उनका एक क्लासमेट ही अभिजीत, थाना चौक के पास घर है एक, वहाँ गवैया के हैं लड़का, और एक है ये आपका पचना रोड का पे है। सब लोग एक साथ? नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग यूनिवर्सिटी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। चाहती हैं आप लोग सरकार से? हम भारत सरकार और नीतीश कुमार सर से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूक्रेन में जितने भी स्टूडेंट फंसे उन्हें कृपया करके वापस ले आए, क्योंकि सभी यहाँ जितने भी छात्र वहाँ रह रहे हैं सबके फैमिली बहुत ज़्यादा वरीड है और बहुत ज़्यादा टेंशन में है। भैया से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मेरे भैया से सुबह बात हुई। क्या क्या बताए? वही बोले अभी हालत ठीक है बस, लेकिन घर के अंदर ही रहना है, और अभी हंगरी पोलैंड जाने के लिए भी कुछ वहाँ पे नहीं है, मतलब बॉर्डर एरिया तक जाने के लिए, तो हम चाहते हैं कि वहाँ से हंगरी पोलैंड जाने के लिए भी कुछ बसेस या कुछ मतलब मोड ऑफ व्हीकल्स वहाँ पे ये किया जाए, सुविधा कराया जाए। क्या नाम हुआ तुम्हारा? कविता। अभी पूरा जानकारी नहीं है, इसे ऊपर 10 तारीख का टिकट बनल है 10 मार्च के।